आज के इस वीडियो में जितने भी बंदे फ्री फायर खेलते हैं उनको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब ई-स्पोर्ट्स के रिलेटेड और भाई जो भी बंदे भाई रैंक मैच खेलते हैं, फुल मैप खेलते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में जो फ्री फायर का एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ था, Put in a lot of space between him and the team as they go for more. One more with a quad already, and NMG finds himself falling down one by one. Bodies hitting the floor as one more is on the way to a killing spree. Raz finds the one as well. Good day. Peter will be one to find Proc 7 and a triple kill for him. And Nando one all alone. Ooh, Nando is just arrived. Will Nen Shuo Miners will be removed from this game. And right now this is thing and immediately been taken over by Peter Falcon. अभी तक आप लोग देख रहे हो 11 टीमें अलाइव है एंड 42 बंदे अलाइव है, फिर भी भाई उनके जो है 11 किल हो चुके ऑलरेडी। बट फिर भी गाइस इन लोगों ने 11 किल निकाल लिए थे अपने थोड़े से जोन में, बट यहाँ पे सेकंड जो फाइट हुई थी गाइस टीम फाल्कन्स वर्सेस लाउड की बीच में, और उसके बाद दो और टीमें आ गई थी भाई, उसमें देखने लायक इतना ज्यादा मजेदार था कि भाई किस तरीके से भाई टीम फाल्कन्स ने यहाँ से अपनी सामने वाली टीम को तो यहाँ पे एलिमिनेट कर ही दिया, उसी के साथ साथ भाई बाकी दो टीम्स के भाई बच के निकल भी गई, तो वो भी देखना भाई कैसे किया, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी वो मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। बट सबसे पहले भाई उनका गेम प्ले देखो और किस तरीके से उन लोगों ने जो दो टीमों को एलिमिनेट कर दिया भाई यहाँ से। But right now, Koskyu are cooking that bomb. But hey, shot coming from one more with that AWM on fire going in. They are trying to find another player. So Koskyu get dragged. Right now, Loud in trouble. But Drags already revive himself with that Horizon. One of the players Drags immediately been knocked by Peter with that Bison. This is huge if you think about it, coming through Falcons. They looked a little bit quiet in the beginning, but they allowed Loud to go a bit aggressive on them and take out all the And space. And भाई यहाँ से वो चीज स्टार्ट हुई जैसे टीम फाल्कन्स यहाँ पे नीचे फाइट कर रहे थे लाउड के साथ, यहाँ से टीम सॉलिड आ गई थी और टीम सॉलिड ने भाई एलिमिनेट कर दिया लास्ट बंदे को जो लाउड का बचा हुआ था यहाँ से ग्रेनेड फेंक के, और एलिमिनेट हो गई भाई टीम लाउड। बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे टीम सॉलिड भी थी, यहाँ पे नीचे टीम फाल्कन्स भी थी और एओस स्पोर्ट भी ऊपर से आ रही थी भाई, तीन टीमें यहाँ पे मतलब मिल गई थी। यहाँ पे एओस स्पोर्ट ऊपर से आई एओस वाले और नीचे टीम सॉलिड थी, तो टीम सॉलिड तो वैसे भी यहाँ पे एलिमिनेट हो ही गई थी, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गई थी भाई, यहाँ पे तीन ही बंदे बचे थे उनके और यहाँ पे ऊपर चार बंदे खड़े थे, तो वैसे भी एलिमिनेट होने वाले थे वो लोग। बट भाई फिर भी टीम फाल्कन्स वालों ने भाई किस तरीके से भाई टीम लाउड को भी एलिमिनेट किया, फिर यहाँ पे एओस वालों को भी दिखा, यहाँ पे टीम सॉलिड वालों को भी देखा और फिर कैसे ऊपर चले गए भाई, और इस गेम में भाई उन लोगों ने इतना परफॉर्मेंस इतना ज्यादा तगड़ा दिखाया कि लास्ट में भाई भूया भी उनके पास ही चला गया। 15 बंदों को इन लोगों ने मतलब एलिमिनेट कर दिया था, टीम सॉलिड सामने थी तो उनको भी एलिमिनेट करना था और बाकी जो ऊपर एक टीम और खड़ी जो ईवोस स्पोर्ट उनको भी एलिमिनेट करना, यहाँ पे इनको गाइस बहुत ही अच्छा चांस था ईवोस स्पोर्ट के पास, बट फिर भी टीम सॉलिड को तो यहाँ पे पहले ही चकमा दे दिया था भाई यहाँ पे टीम फाल्कन्स वालों ने। और इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो गाइस मैं आप लोगों को सेकंड गेम में बताता हूँ, और जिस जो भी बंदा भाई फ्री फायर खेलता है और जो भी बंदा भाई ओल्ड प्लेयर है उनको तो अभी तक स्ट्रेटेजी पता चल चुकी होगी, और जिसको पता चल चुकी है वो भाई कमेंट सेक्शन में जाकर बताना फटाफट से। तब तक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई उनका गेम प्ले पहले और किस तरीके से उन लोगों ने एलिमिनेट किए भाई बाकी टीम को, तो आप लोग तब तक तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि भाई किस तरीके से उन लोगों की स्ट्रेटेजी थी। और यहाँ पे जो है तीन ही टीम बची थी लास्ट में, पहली थी एजी स्पोर्ट एंड सामने थी हमारी टीम फाल्कन्स, जो कि एजी स्पोर्ट का भाई बहुत ज्यादा अच्छा चांस था यहाँ से भूया निकालने का, ये वो लोग का हाइट का भी मामला था और दूसरा कि उन लोगों की जो दूसरी टीम थी वो यहाँ पर जो टीम फाल्कन्स के साथ फाइट कर रही थी, फिर भी अभी पता नहीं कैसे बट एजी स्पोर्ट भी यहाँ से भाई एलिमिनेट हो गई, लास्ट ही बंदा बचा था, एक ही बचा था भाई उनका। One eliminations coming from AG Global. Stop has been sniped, and now they are left with three players. Caramel are still waiting behind, but unfortunately, Peter got that sneaky shot with MA2B. How is he doing that? Ooh. That is a jump shot if you think about it. Regardless, look at how proactive Falcons are, taking up so much space, holding down the line and the circle itself. Oh, right now for RRQ, they are being rushed by AG Global and support by Falcon. They have been knocked down. Will they make it with two of the players? And immediately have been taken out. Two players remaining. Razor with that Chrono trying to survive himself, but on his friends, on his partners, are waiting quietly on the outside. Falcons here already with 26 eliminations, and they're not done quite yet. It's all about finding the last few members of RRQ up by high here holding. And with Chrono opened already, but he takes a jump shot to the face! And the first Booyah on the
भूया निकालने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उनका पॉइंट्स मतलब कितने थे भाई ओवरऑल रैंकिंग में आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ। एंड अभी यहाँ पे सेकंड गेम में भाई इवो सुस्पोर्ट भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रही थी भाई उन लोगों ने लास्ट गेम में भी दिखाया। लास्ट गेम में भाई टॉप फोर में थी वो टीम। एंड अभी जो टीम है गाइस वो ये वाली इस टीम को भाई लास्ट में भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था लास्ट जोन में भाई लास्ट बंदा बचा था। और इस बार क्या हुआ ना कि टीम सॉलिड यहाँ से तो चली गई उसको एलिमिनेट करने के लिए और यहाँ से एलिमिनेट कर भी दिया उन लोगों ने सामने वाली टीम को। बट फिर क्या हुआ ना वो आप लोग देखो सिर्फ व्हिच मींस दैट दे आर अलाउड टू प्ले सेपरेटली दे हैव टू गो फॉर 2-1-1 दे कैन गो फॉर 3-1 दे कैन गो फॉर 1-1-1 इन फैक्ट वी सॉ दैट लाउड हैव डूइंग दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। नाउ टॉप 213 क्विक ऑन दैट इनिशिएट बाय हाई नॉक डाउन ऑलरेडी एंड रेजर क्विकली ब्रिंग्स हिम बैक इनटू द गेम इटसेल्फ। Team Solid, not quite done yet. Sees Mal, takes him out. And they're gonna quickly just demolish that glue wall. And I love that follow-up coming from the team. Dutz as well will be the next potential victim. He's so low, finds X-Trap 7. This answer back is with Guaxa. It's gonna be looking very, very rough for RRQ. But despite that, they still managed to answer back. But the kill leaders right now will be NMG. We'll be seeing a replay very, very soon on that. But NMG is the one here. Long range fights toward Team Solid. Oh, NMG just joined the party. We can see that. And by eliminate ho gayi phir Team Solid bhi aur dusri jo team thi wo bhi eliminate ho gayi bhai yahan pe bahut bada nuksan ho gaya dono team ko. They have been wiped out. Negative 5 points no problem. They were And phir bhai yahan pe aate Team Falcons baki wapis se jo last game ke booya the un can he just ride off that high and he wants to try his best to break all that utility. He takes a space round caught off guard here as a sandwich between him as well as his teammate. Peter is going to be very happy with one. 909 knocked down already. The other members of NMG stuck inside of this compound. Cannot move anywhere. Stuck like rats. And they get eliminated at 10. Falcon did it again. At 12 minutes, four eliminations has been coming towards them easily. And now they are moving closer towards AG Global. Only divided by them is that wall. Can they make it through? Right now, Dew with that AWM standing on the wall, but we have PE Sports on the other's end. And we have and PE Sports to वैसे भी भाई यहाँ पे जो eliminate होने वाले थे क्योंकि वो बीच में फंस गई थी भाई पीछे भी एक team थी EVOS वाले और सामने थे यहाँ पे last round के जो मतलब champions बोल सकते हैं भाई भूया वाले तो यहाँ पे तो eliminate हो ही चुकी थी भाई PE वाले। फैलगंस वाले भी कैसे भाई एलिमिनेट होते हैं वो भी आप लोग देखना भाई किस तरीके से भाई एजी वाले लास्ट राउंड का बदला निकालते हैं यहाँ पे क्योंकि भाई टीम फैलगंस भाई सबको बताया कि भाई किस तरीके से भाई इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है भाई फ्री फायर का। और भाई इस टीम को एलिमिनेट करना मतलब सामने वाली बहुत सी टीमों से मतलब बुआ छीन लेना जैसे ही है भाई। टीम फैलगंस भाई बहुत ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रही थी और यहाँ से भी भाई वही स्ट्रेटेजी अपनाने गए थे वो लोग एजी के सामने भी बट फिर भी कुछ नहीं हो गया भाई क्योंकि एजी वाले ने भाई बहुत ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया था इस वाले गेम में जो उन लोगों ने शॉर्ट रेंज में भाई कुछ भी नहीं कर पाए भाई फैलगंस वाले शॉर्ट रेंज में इस बार Three on fire down already. Falcons in a very, very scary situation. Oh. Bosque as well. Falcons in trouble. Completely can't stop. Will be the one to destroy the hometown heroes. And Falcons take its place. एंड फिर भाई ये वाले बचे थे फ्लुक्सो एंड सामने बचे थे भाई इवोस वाले तो इस गेम में तो भाई फ्लुक्सो ने भाई यहाँ पे बाजी मार ली थी क्योंकि इवोस वाले के पास तीन बंदे ऊपर थे एक बंदा नीचे था तो नीचे वाला बंदा तो भाई सपोर्ट कर रहा था पूरी तरीके से बट फिर भी भाई जो इवोस वाले जो इस गेम में बुआ तो नहीं निकाल पाए क्योंकि उनका एक बंदा पहले दो बंदे भाई एक साथ डाउन हो गए थे भाई इस गेम में वो देखना अभी फ्लुक्सो ने दो बंदे मतलब डाउन कर भी दिए उन तीन बंदे डाउन हो गए भाई एक ही साथ और अभी लास्ट बंदा बचा था एक ही भाई वो भी भाई डाउन हो गए और यहाँ पे फ्लुक्सो ने भाई यहाँ से अपना जो है पूरिया भी निकाल लिया। एंड फिर अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई टीम रैंकिंग यहाँ पे मैच रैंकिंग देख सकते हो भाई 21 पॉइंट है फ्लुक्सो के पास एंड फैल्कंस के पास सिर्फ 8 पॉइंट है बट फिर भी लास्ट राउंड के मतलब जो भी ओवरऑल रैंकिंग था उसमें टीम फैल्कंस आगे थी एक भूया के साथ 49 पॉइंट थे भाई। तो भाई आपको पता चल ही चुका होगा कि भाई ई स्पोर्ट्स में खेलने के लिए कितने ज्यादा मतलब लगता है भाई एक्सपीरियंस। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।